हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल BDTR प्रॉपर्टी व्लॉग्स। मैं दीपक, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको एक बार फिर से लेकर पहुंच चुका हूं इंदिरापुरम में। तो गाइस, अगर हम इंदिरापुरम की कनेक्टिविटी की बात करें तो आप यहां से वैशाली जो मेट्रो स्टेशन है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर देख सकते हैं। मोहन नगर का जो मेट्रो स्टेशन है वो आपको अप्रॉक्सीमेटली 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर देखने को मिल जाता है। और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक सिटी सेक्टर 62 नोएडा का जो मेट्रो स्टेशन है वो भी आपको लगभग 3 किलोमीटर की रेंज में देखने को मिल जाता है। और अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर स्कूल्स की, तो यहाँ पर आपको 10+ इंटरनेशनल स्कूल्स देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको काफ़ी सारे अच्छे हॉस्पिटल्स भी देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर एजुकेशन और मेडिकल की सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो देखने को मिल जाती हैं। आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 90 मीटर का एक इंडिपेंडेंट फ्लोर। हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे इस फ्लोर को डिज़ाइन किया गया है, किस तरह से आपको यहाँ पर चीज़ें लगा कर दी जाएंगी, क्या क्या चीज़ें आपको इसमें मिलने वाली हैं। बात कर लेते हैं इंदिरापुरम के बारे में। जैसा कि इसके ऊपर मैं पहले भी अपनी कुछ वीडियोस लेके आ चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको 350 मीटर के प्लॉट्स पर जो बने हुए फ्लैट्स हैं वो दिखाए थे। साथ ही साथ आपको एक 200 मीटर का इंडिपेंडेंट फ्लोर दिखाया था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इंदिरापुरम है डिफरेंट खंडों में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर आपको 90 मीटर 112 मीटर के इंडिपेंडेंट फ्लोर्स देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ जो आपको फ्लैट्स मिलते हैं वो 350 मीटर के जो प्लॉट्स हैं या फिर 250 मीटर के जो प्लॉट्स हैं वहाँ पर आपको मल्टीपल यूनिट्स में देखने को मिलते हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे इस फ्लैट को डिज़ाइन किया गया है। किस तो गाइस, मैंने अपनी जो लास्ट वीडियोज़ का लिंक है वो आई बटन में दे दिया है, अगर आप चाहें तो उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फ्लैट को। सो गाइस, आइए एंटर करते हैं फ्लैट की तरफ और देखते हैं कैसे इस फ्लैट को डिज़ाइन किया गया। तो गाइस आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। जैसे आप एंटर करते हैं आपको एक पैसेज एरिया देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स हैं वो लगा कर दिए जा रहे हैं। तो गाइस, जैसे ही हम फ्लैट के सामने हैं, जैसे आप एंटर करते हैं आपको 8 फीट हाइट का एक डोर देखने को मिलता है। सो गाइस आइए एंटर करते हैं फ्लैट के अंदर। जैसे ही आप फ्लैट के अंदर एंटर करते हैं आपको एक 8 फीट हाइट का डोर देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छी वुडन क्वालिटी का यहाँ पर यूज़ किया गया है। सो गाइस, जैसे ही हम इस फ्लैट के अंदर एंटर करते हैं आपको लेफ्ट हैंड साइड पर देखने को मिल जाता है अपना फर्स्ट बेडरूम। तो आइए चलते हैं बेडरूम में, देखते हैं कैसे इस बेडरूम को डिज़ाइन किया जाए। सो गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं अपने फर्स्ट बेडरूम के अंदर। काफ़ी स्पेशियस से बेडरूम रहने वाला है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो एक अपना क्वीन साइज जो बेड है वो प्लेस कर सकते हैं। सामने की तरफ आप देख सकते हैं आपको टीवी पैनल बना कर दिया जा रहा है। इस रूम के साथ आपको एक बालकनी एक्सेस करने के लिए डोर देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक विंडो भी देखने को मिलती है जिससे आपको काफ़ी अच्छा वेंटिलेशन मिल जाता है। इस रूम से आपको वॉशरूम का भी एक्सेस दिया गया है जैसे कि आप देख सकते हैं। सो गाइस, जैसे ही आप फर्स्ट बेडरूम से बाहर आते हैं तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे आपका वॉशरूम देखने को मिल जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये वॉशरूम आप अपने फर्स्ट बेडरूम से भी एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ ये आपका ड्राइंग रूम से भी एक्सेसिबल है। आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर डिज़ाइनर जो फिटिंग्स हैं उनका यूज़ किया गया है। सारी जक्वार की फिटिंग्स का बिल्डर ने यहाँ पर यूज़ किया है। साथ ही साथ काफ़ी स्पेशियस ये वॉशरूम रहने वाला है। यहाँ पर आपको एक विंडो का प्रोविज़न भी देखने को मिल जाता है जिससे कि आपको काफ़ी अच्छा वेंटिलेशन मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से इस वॉशरूम को डिज़ाइन किया गया है। सो गाइस आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने ड्राइंग एरिया की तरफ, कैसे इस ड्राइंग एरिया को डिज़ाइन किया गया है आइए देखते हैं। सो गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं इस फ्लैट के ड्राइंग रूम के अंदर। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एंटर करते ही आपको एक वाव सी फीलिंग आती है। एक डिज़ाइनर शैंडलियर यहाँ पर आपको लगा कर दिया जा रहा है। साथ ही साथ आपको डिज़ाइनर फैंस देखने को मिल जाते हैं। सामने की जो वॉल है उसे POP के थ्रू डिज़ाइन किया गया है। आपको जो वॉल लाइट्स हैं वो भी काफ़ी डिज़ाइनर देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो स्प्लिट AC है उसकी भी फिटिंग्स कर दी जा रही हैं। इस वॉल को अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको लाइट्स के प्रोविज़न दिए गए हैं ताकि अगर आप चाहें तो इसे अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं। सो
सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं इस ड्राइंग एरिया को, अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर अपना एक सी शेप का सोफ़ा प्लेस कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 7 सीटर आपका सोफ़ा यहाँ पर प्लेस हो जाता है। साथ ही साथ अगर आप उस कॉर्नर को चाहें तो एज ए डाइनिंग एरिया भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। 4 to 6 सीटर जो डाइनिंग टेबल है वो आप अपनी यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप अपना सोफ़ा प्लेस करते हैं तो सामने की तरफ आपको वॉल पर एक टीवी पैनल बनाकर दिया जा रहा है। काफ़ी डिज़ाइनर तरीके से इस टीवी पैनल को बनाया गया है। जो वुडन क्वालिटी है वो काफ़ी बेटर है। सो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिल्डर ने यहाँ पर जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग का यूज़ किया है वो सारी ही आपको ब्रांडेड देखने को मिलेगी। सो गाइस आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किचन को किस तरह से किचन को डिज़ाइन किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस आपकी ये किचन रहने वाली है। आपको यहाँ पर अपर कैबिनेट्स लोअर कैबिनेट्स बनाकर दिए जा रहे हैं। 2 कैबिनेट्स इन्होंने यहाँ पर ग्लास के भी बनाकर दिए हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक डिज़ाइनर चिमनी देखने को मिलती है। बिल्डर आपको ये एज इट इज़ यहाँ पर लगा कर देगा। आपको एक डिज़ाइनर लाइट भी देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ आइए चलते हैं देखते हैं वॉशिंग एरिया को किस तरह से यहाँ पर आपको बिल्डर ने सिंक का प्रोविजन दिया है। सो गाइस आइए देखते हैं कैसे यहाँ पर सिंक को डिज़ाइन किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको डबल सिंक का प्रोविजन देखने को मिलता है। नॉर्मली जो बिल्डर है यहाँ पर आपको सिंगल सिंक ही प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इस बिल्डर ने यहाँ पर आपको डबल सिंक दिया है। तो जो घर की हाउसवाइफ्स हैं, जो लेडीज़ हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी ये डील रहने वाली है। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक शाफ्ट का प्रोविज़न भी देखने को मिलता है ताकि जो किचन है उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन बना रहे। सो आइए किचन से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। जैसे ही हम सेकंड बेडरूम में एंटर करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको 8 फीट हाइट का डोर लगा कर दिया जा रहा है। आइए एंटर करते हैं अपने सेकंड बेडरूम में और देखते हैं कैसे इसे डिज़ाइन किया गया। तो गाइस अब हम पहुँच चुके हैं अपने सेकंड बेडरूम के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस आपका रूम रहने वाला है। अगर आप अपना यहाँ पर क्वीन साइज बेड भी प्लेस कर लेते हैं उसके बाद भी आपको काफ़ी सारा मूवेबल एरिया देखने को मिलता है। सामने की तरफ आप वॉल पर देख सकते हैं कि आपको फुल वॉल मिरर बनाकर दिया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक छोटा सा ड्रेसिंग भी बनाकर दिया जा रहा है और इस वॉल पर आपको फुल वॉल पर वॉलपेपर कर दिया जा रहा है जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा इस रूम में आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो का प्रोविज़न भी देखने को मिल जाता है। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस फ्लोर का थर्ड एंड लास्ट बेडरूम जो कि इसका मास्टर बेडरूम रहने वाला है। आइए एंटर करते हैं मास्टर बेडरूम के अंदर। जैसे आप मास्टर बेडरूम में एंटर करते हैं काफ़ी स्पेसियस ही आपका बेडरूम रहने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको एक वॉल पर डिज़ाइनर वॉलपेपर कर दिया जा रहा है। सामने की तरफ आपको फुल वॉल वार्डरोब बनाकर दी जा रही है। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं ये मास्टर बेडरूम रहने वाला है तो यहाँ पर आपको एक अटैच वॉशरूम भी देखने को मिल जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस है आपका वॉशरूम रहने वाला है। सारी जगुआर की फिटिंग का बिल्डर ने यहाँ पर यूज़ किया है और आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से इस वॉशरूम को डिज़ाइन किया गया है। इसके अलावा गाइस इस रूम के साथ आपको एक अटैच बालकनी कम शाफ्ट का प्रोविजन भी देखने को मिल जाता है जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर। तो गाइस जैसा कि आपने वीडियो में पूरा फ्लैट देख लिया है काफ़ी स्पेशियस से फ्लैट रहने वाला है। सारी ही प्रीमियम क्वालिटी की जो चीज़ें हैं उसका यहाँ पर बिल्डर ने यूज़ किया है। अगर आप इस फ्लैट पर विजिट करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं इस फ्लैट के प्राइस की। तो जो अभी इस फ्लैट का डिमांड प्राइस है वो है 65 लाख रुपीज़। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंदिरापुरम में अगर आप फ्लैट लेना चाहते हैं तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी जो विज़िट है वो हमारे साथ अरेंज कर सकते हैं। तो अब इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के साथ।